गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गौरव। आज के टॉपिक में मैं बताने वाला हूँ कि आपको जीएनएस किस तरीके से वर्क करता है और जीएनएस के ऊपर हम लोग किस तरीके का कॉन्फिगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ कि जीएनएस क्या होता है। जीएनएस एक ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर है। जैसे कि हम लोग पैकेट ट्रेसर, इसके पहले में हम लोग पैकेट ट्रेसर का यूज़ करते थे, उसके पहले में मैंने बोसॉन करके एक सिमुलेटर है उसका भी यूज़ किया है। उसके बाद मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर जम्प किया। जैसे मैंने पैकेट ट्रेसर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैंड्स ऑन किया, तो उसके बाद में मैंने जीएनएस के ऊपर प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दिया। जीएनएस के ऊपर भी दो तीन सिम्यूलेटर है। लाइक मैंने एक वीडियो बनाया था यूएनएल के लिए, ठीक है, यूनिफाइड नेटवर्किंग लैब, तो वो भी एक सिम्यूलेटर है जो वर्चुअल मशीन के ऊपर हमने कॉन्फिगर करना पड़ता है। तो आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि जीएनएस क्या है। ठीक है, सबसे पहले जीएनएस जो टूल है आपको इजीली डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप गूगल में वगैरह डाल देते हो जीएनएस, या तो फिर GNS3.com ये साइट के ऊपर जाओ, यहाँ पे आप डाउनलोड का ऑप्शन देख सकते हैं। वहाँ से आप डाउनलोड उसके ऊपर अगर क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये लिनक्स वर्जन में भी अवेलेबल है। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आपके पास अगर यूज़र अकाउंट है तो बेटर है, अदरवाइज़ आप नया वाला यूज़र अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा ये विंडोज़ के लिए भी है रिलायबल और लिनक्स के लिए भी रिलायबल है, और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, जैसे आप उसका सेटअप करते हो तो आपको सेटअप करने बाद कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ग्राफिकल व्यू मिलेगा। काफ़ी आसान है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में इसके पहले में ये जो मैं GNS यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ 2.1.1 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी आप अगर साइट के ऊपर जाके चेक करते हो 2.1.11, ठीक है, मैं थोड़ा सा ओल्डर वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने हालांकि ये वाला डाउनलोड किया था, बट मेरे लैपटॉप में या कुछ इश्यूज़ हो रहे थे जिसकी वजह से मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर पा रहा था और काफ़ी सारे एरर आ रहे थे और मुझे प्रैक्टिकल्स करना था, तो इसलिए मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो इसलिए मैंने 2.1.1 वर्ज़न डाउनलोड कर लिया, जो कि ओल्डर वर्ज़न था, जो कि मेरे पास ऑलरेडी था। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। तो अभी हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि GNS एग्जैक्टली क्या है। सबसे पहले GNS इज़ अ ग्राफिकल नेटवर्क सिमुलेटर, जिसके अंदर हम लोग राउटर स्विचिंग, राउटिंग एंड स्विचिंग की प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अभी कुछ नए वर्जन में अगर आप देख सकते हो तो उसमें ASA जो फायरवॉल का वगैरह इंटीग्रेशन होता है, या तो फिर नेक्सस OS का वगैरह इंटीग्रेशन वगैरह होता है, जो कि हम लोग इसके साथ कर सकते हैं। मतलब नेक्सस और फायरवॉल के प्रैक्टिकल भी अभी हम लोग GNS के ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप देखते हो जैसे ही आप इंटीग्रेशन करते हो एक इस तरीके का एक विंडो आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है न्यू ब्लैंक प्रोजेक्ट, एक ब्लैंक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे कि मैं एक ब्लैंक प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, test1234 5। ओके, इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएगा, नॉट विंडो, इस तरीके का आपको एक लुक मिल जाएगा। अभी जब यहाँ पे आप राउटर के ऊपर क्लिक करते हो, सबसे पहले थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लेफ्ट साइड में देखते हो तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है राउटर का ऑप्शन, इसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है ये स्विचेस का ऑप्शन, ये हमें दिख रहा है PC का ऑप्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक ऑप्शन जानने वाले कि नीचे में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक एक ऑप्शन दिखाता हूँ। ये देखिए राउटर, जैसे मैं राउटर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आता है इंस्टॉल्ड एंड अवेलेबल अप्लायंसेस। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इंस्टॉल्ड एंड अवेलेबल अप्लायंसेस। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं Cisco 3725, Cisco 3745, लेकिन ये जितने भी राउटर्स आप देख रहे हो ये लाइक ऐसे ब्लर दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब इनके नाम दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनको ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ तो वो नहीं होता है, क्योंकि हमें वो अप्लायंस ऐड करना पड़ता है। उस पर्टिकुलर राउटर या स्विच का IOS हमें ऐड करना पड़ता है, तभी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। विदाउट IOS इमेज हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अभी बात आती है IOS इमेज की। IOS इमेज भी आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 7200 ये राउटर है, इसका IOS चाहिए था, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने गूगल पे गया हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे डाल दिया मैंने IOS 7200 GNS3 डाउनलोड। ठीक है, आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो वो भी मैं बताऊंगा। डाउनलोड तो आपने IOS कर लिया, उसके बाद किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है ताकि वो आपको यहाँ पे दिख जाए।
सबसे पहले इंस्टॉल एंड अवेलेबल अप्लायंसेस। तो इंस्टॉल एंड अवेलेबल अप्लायंसेस में आपको राउटर डिवाइसेस जो भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है जूनीपर, ठीक है। जूनीपर जैसे डिफरेंट वेंडर, जैसे एक सिस्को एक वेंडर है, ठीक है। जैसे सिस्को के भी प्रैक्टिकल्स करते हैं, सिस्को के भी डिवाइसेस होते हैं, सेम है जूनीपर के भी डिवाइसेस होते हैं। तो जूनीपर के भी आप iOS यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यहाँ पे 40 गेट करके दिख रहा है, 40 ADC, ठीक है, 40 40 गेट, 40 DDoS, ये भी डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। सेम है सिक्योरिटी प्रोडक्ट है। यहाँ पे FIU दिख रहा है, मुझे FIU के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आई थिंक FIU इज़ अ लोड बैलेंसर। मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है फ्रेंकली बताओ तो, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पे कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे दिया है तो, ठीक है। यहाँ पे सिस्को के डिवाइसेस आप देख सकते हैं, तो उसके भी प्रैक्टिकल तो हम डेफिनेटली करने ही वाले हैं। अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेकंड वाला मैं ऑप्शन यूज़ करता हूँ इंस्टॉल अप्लायंसेस, तो इंस्टॉल अप्लायंस में आपको वही दिखेगा जो आपने iOS इंटीग्रेट किया है GNS के साथ, ठीक है। अगर आपने जो iOS इंटीग्रेशन नहीं किया है तो वो सभी के सभी आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं अल्का टेले बिग क्लाउड फैब्रिक बर्ड, ओके, सिस्को के डिवाइसेस है जिन्होंने आप जिसको आपने इंटीग्रेटेड नहीं किया है, लेकिन वो वहाँ पे मतलब इंटीग्रेशन नहीं किया तो यहीं पे दिखाएंगे, और जो आपने इंस्टॉल करके रखा है वो आपको यहाँ पे दिखाएंगे। हम लोग थर्ड वाले मेन्यू के ऊपर जंप करते हैं, अवेलेबल अप्लायंसेस। अवेलेबल अप्लायंसेस में आपको वो सभी अप्लायंसेस मिलेंगे जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कस्टम अप्लायंसेस। कस्टम अप्लायंसेस में हम लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंस्टॉल अप्लायंसेस के। अभी यहाँ पे बात आती है, मैंने जो सिस्को का राउटर है 7200 इसको यहाँ पे इंटीग्रेट किस तरीके से किया, तो अभी हम लोग उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ठीक है, सेम है स्विचेस के लिए भी सेम इसी तरीके का प्रोसीजर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेकिन ये जो स्विच है हम लोग इसको ले सकते हैं बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता चलेगी, जो डिवाइसेस अवेलेबल है लेकिन उसका iOS इंटीग्रेटेड नहीं, वो थोड़ा सा ब्लर में दिख रहा है। अगर आप उसको 7200 इस पर्टिकुलर डिवाइस को नोटिस करते हुए तो डार्क में हाईलाइटेड हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, मैंने इसका iOS इंटीग्रेट किया इसलिए वो डार्क में हाईलाइटेड हो रहा है, ओके। सेम एज तुम्हें स्विचेस के लिए भी करना है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसे स्विचेस है लाइक NX OS V, ओके, सिस्को NX, ये कुछ स्विचेस है जिसका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज हमने अभी तक उसका iOS इंटीग्रेट नहीं किया। और कुछ है जो कि बाय डिफॉल्ट फीचर देता है GNS, ठीक है, तो हम लोग उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग चेक कर सकते हैं, सेम एज जूनीपर भी यहाँ पे दिख रहा है, तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसका iOS इंटीग्रेट करने के बाद इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द एंड डिवाइसेस। हम लोग एंड डिवाइसेस के तौर पे ये सब के सब डिवाइसेस ले सकते हैं, यहाँ पे GNS3 VM करके के जो कि बाय डिफ़ॉल्ट दिया है, नेटिंग के लिए भी बाय डिफ़ॉल्ट दिया है, एक नेक्सेस है, इसका मैंने इंटीग्रेशन किया था, मैं इसका भी बताऊँगा किस तरीके का इंटीग्रेशन है इसका, ठीक है। उसके बाद VPCs। उसका थर्ड वन इज़ द सिक्योरिटी डिवाइसेस। जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मैं जब GNS के ऊपर प्रैक्टिकल करता था तो मैं मोस्टली फोकस, मुझे जहाँ तक नॉलेज था मैं यही समझता था कि GNS एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं राउटिंग एंड स्विचिंग के ही प्रैक्टिकल कर सकता हूँ, उसमें मैं सिक्योरिटी के प्रैक्टिकल वगैरह नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अभी नए वर्जन और ओल्डर वर्जन में भी ऑलरेडी ये सब चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्योरिटी टैब के लिए एक अलग से कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, ये देखो सिक्योरिटी डिवाइसेस, और नीचे में सिक्योरिटी डिवाइसेस का ड्रॉप डाउन मेन्यू भी दिया है। अगर मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेंगे सिक्योरिटी डिवाइसेस, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं, कुछ कुछ कंपनीज के मुझे नाम भी नहीं पता है, लेकिन बहुत सारे लाइक मुझे चेक पॉइंट के बारे में पता है, सिस्को ऐसे के बारे में पता है, 40 गेट DDoS, पोलो अल्टो, ठीक है, ये सब सिक्योरिटी डिवाइसेस है, IP FireEye, IPS IDS, ओके, हम लोग यहाँ से देख सकते हैं वेब सिक्योरिटी वर्चुअल अप्लायंसेस, तो मतलब ये भी फीचर्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये लाइक सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहा है GNS, ओके। नेक्स्ट उसके बाद में जंप करते हैं, यहाँ पे ऑल डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है।
मतलब सिक्योरिटी डिवाइसेस, स्विचेस के बारे में, वीपीसीस, जितने भी डिवाइसेस, सभी डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सेम एज यहाँ पे भी आप इंस्टॉल अप्लायंसेस करोगे तो जो भी इंस्टॉल अप्लायंसेस है जो कि बाय डिफॉल्ट भी है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। अभी हम लोग लास्ट वाले ऑप्शन के ऊपर जंप करते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन ये होता है, हालांकि आप इमेज देख के थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर ही लिया होगा या गेस कर ही लिया होगा कि ये क्या है करके। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये मोस्टली होता है केबल। जैसे कि मैं अगर दो राउटर वगैरह लेता हूँ, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा अगर मैं केबल यूज़ करता हूँ तो। देखो करेक्ट, मैं केबलिंग का यूज़ करने के लिए जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, हालांकि आपको यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, लुक वाइज काफ़ी इजी भी है, काफ़ी आसान भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने GNS स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, इसको लोकली सर्वर करके सेट किया था, लोकल सर्वर के ऊपर सेट किया था। तो मैंने उसके लिए क्या सेटिंग किया था, सबसे पहले मैं गया था एडिट सेशन में, एडिट के बाद प्रेफरेंस में गया था। ओके, जैसे प्रेफरेंस में जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं, तो यहाँ पे मैं सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ सर्वर। सर्वर के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे होस्ट बाइंडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं होस्ट बाइंडिंग, मैंने यहाँ पे लोकल वाला लूपबैक सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद अप्लाई कर दिया था। अप्लाई करने के बाद उसने लोकली सर्वर मेरा फाउंड कर लिया और उसको लोकली सर्वर में स्टोर करके रख दिया। ओके, उसके बाद यहाँ तक तो मेरा सब कुछ ठीक था। उसके बाद मैंने क्या किया था, गूगल से कुछ iOS डाउनलोड भी किया था, जो सिस्को राउटर के iOS इमेजेस थे जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, मैंने तो अभी तक एक ही iOS इमेज इंटीग्रेट किया था, क्योंकि मुझे चेक करना था कि मेरा GNS प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अभी मैं आपको अनदर iOS इमेजेस भी इंटीग्रेट करके दिखाता हूँ। ठीक है, सेम एज मैं एडिट में जाऊँगा, उसके बाद प्रेफरेंस में जाऊँगा। यहाँ पे आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आपको यहाँ पे देखना है iOS राउटर। iOS राउटर में आपको पता चलेगा 7200 ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है, अभी हम लोगों को नया वाला iOS इंटीग्रेट करना है, ऐड करना है नया राउटर। तो हम लोग यहाँ पे न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं न्यू ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, न्यू इमेज, उसके बाद ब्राउज। ब्राउज करने के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी GNS3 iOS में, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारे iOS हैं, तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ 3745। ओके, यूज़ कर, वुड यू लाइक टू डिकम्प्रेस दिस iOS इमेज, येस करना है आपको। नेक्स्ट करो, उसका नेक्स्ट करो, नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आप स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं, एक तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मैं NM-40 वाला सिलेक्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट, उसका नेक्स्ट और फिनिश कर देता हूँ। उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई करना भूलना नहीं है। ठीक है, जैसे मैं अप्लाई करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नया राउटर आ गया यहाँ पे। ठीक है, सेम एज इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। ठीक है, सेम एज अभी क्या करता है, मैं दो राउटर लेता हूँ, सेम 3745। ओके, अभी जैसे मैं दो राउटर लिया, आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको मिलता है ये मिलता है टोपोलॉजी समरी। टोपोलॉजी समरी मतलब क्या होता है कि जो भी आप राउटर या डिवाइसेस लेते हो उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। टोपोलॉजी डायग्राम, जो हम लोग डायग्राम बोलते हैं बट नेटवर्क लैंग्वेज में हम लोग उसको टोपोलॉजी बोलते हैं, उस पर्टिकुलर नोड ऑन है कि ऑफ है उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा केबल कनेक्ट कर देता हूँ, फास्ट इतना 0/0, फास्ट इतना 0/0 के ऊपर कनेक्ट कर दिया। ओके, अभी मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे कंसर्न नहीं मिलेगा, बिकॉज अगर मैं रियल प्रोडक्शन की भी बात करता हूँ, हमारा डिवाइस ऑन होना चाहिए, विदाउट ऑन किए हुए हम लोग कंसर्न नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है प्ले का ऑप्शन। ओके, जैसे मैं इसको ऊपर प्ले करता हूँ तो कुछ चेंजेस होंगे, आप देख सकते हैं उन्होंने ये रेड कलर का पोर्ट ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो नोड्स दिख रहा है वो भी ग्रीन कलर में, मतलब लाइक हम लोगों को एक इंडिकेशन मिल गया कि हमारा जो राउटर है वो स्टार्ट हो गया, अभी हम लोग कंसोल लेने को तैयार है। लेकिन हालांकि अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा पैकेट रेसर के साथ, तो पैकेट रेसर में क्या होता था, जैसे जब भी मैं पॉइंट टू पॉइंट आईपी एड्रेस देता था, अगर दोनों आईपी एड्रेस एक दूसरे के साथ रीच करते उसी कंडीशन में ये पॉइंट टू पॉइंट इंटरफेस ग्रीन कलर में ब्लिंक होता था, यहाँ पे वैसा फंडा नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके राउटर तो ऑन हो गए, अभी आपको कंसोल लेना है, तो कंसोल लेने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कंसोल करके ऑप्शन है उसको भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है,
एकदम रियल व्यू मिलता है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। सेम एज आउट, अगर रियल प्रोडक्शन में भी काम करते हो या तो फिर प्रैक्टिकल भी करते हो जीएनएस या पैकेज टेस्टों के ऊपर, एग्जैक्ट सेम जैसे का वैसा मिलेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं रहेंगे। ठीक है, मुझे हमेशा से ये डाउट रहता था कि मैं जीएनएस के ऊपर प्रैक्टिकल करता हूँ तो प्रोडक्शन में शायद कुछ डिफरेंट होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑलमोस्ट 90% सेम होता है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी कमांड लाइन्स होती है जो कि इस राउटर के ऊपर सपोर्ट नहीं करती है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है। बट मेरे ख्याल से मैक्सिमम चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे सॉर्ट आउट होने ही वाले हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि हम लोगों को राउटर किस तरीके से इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ और एक राउटर आपको इंटीग्रेट करके दिखा देता हूँ। इदित प्रिफरेंस सेम एज आईओएस राउटर। ओके, उसके बाद न्यू, यहाँ पे न्यू इमेज ब्राउज करो। ब्राउज करने के बाद मैं ले लेता हूँ अभी 2691। ओके, डिकम्प्रेस द इमेज। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको स्लॉट चूज कर लेता हूँ -40। ओके, नेक्स्ट फिनिश अप्लाई। ओके, देखो यहाँ पे आप, ओके नया वाला आ गया राउटर। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो सिंपली, आपको राइट साइड में नोटिफिकेशन मिल जाएगा टोपोलॉजी समरी में। ठीक है, उसके बाद ऑन करो। ऑन करने के बाद R3 जो है वो ग्रीन कलर में ब्लिंक हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। करेक्ट, काफ़ी आसान है, इजी भी है यूज़ करने के लिए। और जो भी CCNP लेवल का प्रैक्टिकल करते हैं या तो फिर CCNA लेवल के ऊपर के प्रैक्टिकल करते, तो मैं उनको रिकमेंडेड करूँगा कि GNS के ऊपर करो। ठीक है, CCNA के लिए ठीक है पैकेज ऐसा, लेकिन एक बार आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो गए तो मुझे लगता है कि GNS इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर द CCNP एंड CCI लेवल। CCI लेवल के लिए और भी टूल है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि GNS के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैंड्स ऑन होने की वजह से आपके बहुत सारे कंसेप्ट एंड डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट एक बार आप इसके साथ यूज्ड टू हो जाओगे तो आपको ये सब चीज़ें काफ़ी आसान लगने लग जाएगी। ओके, तो यहाँ तक तो हो गया मेरा iOS को किस तरीके से इंटीग्रेशन करने करते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे मुझे नया ब्लैंक प्रोजेक्ट लेना है, तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा। अगर मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है जिन्होंने मैंने प्रैक्टिकल करके रखा है, अगर मुझे वही प्रोजेक्ट लेना है तो यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट करके मैं चूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिखाना है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि मैंने सीरियल केबल कनेक्ट किया, बट आप यहाँ पे पोर्ट नंबर नहीं देख सकते। तो किसी ने पूछा कि ये S1/0 या 1/1 है, तो आप उसको बता नहीं सकते। तो इस सिचुएशन में हमें पोर्ट नंबर देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है जहाँ इसके ऊपर लिखा है ABC। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेंगे, देखो S1/0 जो कि पर्टिकुलर पोर्ट नंबर है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर को भी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पोर्ट नंबर दिया है अभी भी आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, तो मेरे पोर्ट्स रेड कलर में, मतलब अभी तक मैंने डिवाइसेस को ऑन नहीं किया। अगर मैं उसके बाद में भी ये बाजू में जो कंसोल है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये क्या बोलता है, एटलीस्ट वन नोड मस्ट बी स्टार्टेड बिफोर अ कंसोल कैन बी ओपन। ओके, मतलब हमारा नोड स्टार्ट होना चाहिए तभी वो कंसोल दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। तभी मुझे यहाँ पे प्ले वाला ऑप्शन एक मिलता है, या तो फिर मैं पर्टिकुलर राउटर को राइट क्लिक करके स्टार्ट करके ऑप्शन है उसको भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करके ये वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे देखो नोड ऑन हो गया। तो अभी नोड ऑन तो हो गया मेरा, तो मैं इसको, मुझे कंसोल लेना है, तो मुझे कंसोल लेने के लिए मैं या तो एक राइट क्लिक करके यहाँ पे कंसोल कर सकता हूँ, या तो फिर मैं यहाँ से भी कंसोल ले सकता हूँ। ठीक है, कंसोल कनेक्ट टू ऑल नोड्स, तो सेकंड वाले डिवाइसेस को भी मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन होने के बाद यहाँ से मैं कंसोल लेता हूँ दोनों का एक साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो R1 एंड R2 दोनों के कंसोल मिल गए, और आप इसके ऊपर ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है। आप चला सकते हैं शो वर्जन, शो इन्वेंटरी, ये सभी कमांड्स यहाँ पे वर्क करती है, जो कि रियल प्रोडक्शन में भी ये कमांड्स वर्क करती है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ, शो IP राउट, शो IP प्रोटोकॉल, बहुत सारी कमांड है, शो रनिंग कॉन्फिगरेशन, शो रन पाइप सेक्शन OSPF, बहुत सारी कमांड्स हैं जो आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको तो कमांड लाइन्स के बारे में अंदाजा आता ही है, तो आप उसको रन करके चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में ऑप्शन आता है पॉज, यहाँ पे आप लोग पॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है स्टॉप, अगर आपने प्रैक्टिकल किया राइट किया आपको सेव करना है तो उसको स्टॉप भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है स्टॉप, तो ये स्टॉप हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रीलोड ऑल नोट्स, रीलोड सभी नोट्स को रीलोड करने के लिए ऑप्शन यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ऐड नोट लिखना है, लाइक किसी किसी को अच्छा लगता है कि कोई प्रैक्टिकल करता है, लाइक जस्ट कंसिडर करते हैं मैंने OSPF का प्रैक्टिकल किया, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा OSPF, ओके एरिया 0, ओके लाइक जो भी कुछ आपको नोट्स बनाना है तो आप यहाँ से भी बना सकते हो। और एक अच्छी आदत भी होती है कि हमें पता होना चाहिए कि OSPF एरिया 0, अगर आपको IP एड्रेस देना है इसको तो यहाँ पे लिख सकते हैं मैंने वो IP एड्रेस यह सेंड कर रहा हूँ /32, ओके वॉट योर जो भी कुछ है 24 32 वॉट योर जो भी कुछ IP एड्रेस है आप यहाँ से असाइन कर सकते हो, उसका एक छोटा सा नोट भी बना सकते हो। ओके इंसर्ट पिक्चर, आप यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर को भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग जंप करते हैं तो यहाँ पे है ड्रॉ रेक्टेंगल। किसी किसी को अच्छा लगता है कि कुछ इमेज क्रिएट करे, टोपोलॉजी अच्छी दिखने चाहिए तो उनको कुछ शेप में वगैरह प्रोवाइड करना चाहिए, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। लाइक जस्ट कंसिडर करो कि मैंने एक एरिया बनाया है जिसके अंदर मैंने OSPF रन किया है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके लोअर वन लेयर, देखिए इस तरीके से, तो आप यहाँ पे ये जो दे रहे हैं इसके अंदर दे सकते हो, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद इसमें कलर का भी ऑप्शन होता है, मैं इसके ऊपर ज़्यादा वर्कआउट नहीं किया है बट मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया है। ठीक है, अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बॉर्डर का कलर चेंज किया, इसमें ऑप्शन भी होता है। मैंने एक बार देखा था कि इसके जो इंटरनल एरिया है उसका कलर भी चेंज होता है, जस्ट कंसिडर करते हैं इसका ये वाला कलर ले लेते हैं, आई होप अप्लाई हो। ओके ओके फाइन, देखो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगर आपको कलरफुल डायग्राम्स वगैरह पसंद है तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये भी एक ऑप्शन है सेम एज, इसको भी आप कलर वगैरह दे सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे देना है रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, करेक्ट, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। अगर आपको इस टोपोलॉजी को कैप्चर करना है तो यहाँ पे कैप्चर का भी ऑप्शन आता है, तो आप इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, सो GNS के बारे में इतना ही, काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। अगर आप CCNA NP और CCI लेवल के प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंडेड करूँगा ये है, यही है। इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं, ठीक है, जैसे कि आप इसको GNS VM के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, L3 L2 लेयर के IOS इमेजेस भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था प्रेफरेंसेस में, तो यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स है, वर्चुअल VM आप क्रिएट कर सकते हो, QMU VMs, ठीक है, जिसके अंदर मैंने एक्सेस ऐड किया था, ये रन नहीं कर रहा है, मुझे थोड़ा बहुत चेक करना पड़ेगा, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद IOU डिवाइसेस है, ठीक है, जिसके अंदर IO जो फाइल होती है वो यहाँ पे इंटीग्रेट होने वाली है, अगर IOS फाइल है तो यहाँ पे इंटीग्रेट है, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इंटीग्रेट करके आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हो कि किस चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, मैं डेफिनेटली उसके बारे में बताऊँगा। ठीक है, और जल्दी मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, तो आप डायरेक्टली मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर जुड़े रहेंगे। सो जो भी कुछ आपके पर्सनल पर्सनल क्वेश्चन होंगे इस पर्टिकुलर सेशन को लेके, तो आप पब्लिकली कमेंट्स करके नहीं पूछ सकते, तो आप मुझे पर्टिकुलर व्हाट्सएप के ऊपर पूछ सकते हो कि सर मेरा ये इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, मुझे IU इंटीग्रेशन करना है, GNS के साथ करना है, VM क्रिएट करना है, सो दैट विल सॉर्ट आउट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।